Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. देश में प्राइवेट सेक्टर के दूसरे सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक ने जून तिमाही के अपने नतीजे घोषित कर दिए हैं। ICICI बैंक को इस समय अवधि के दौरान तगड़ा मुनाफा हुआ है। साथ ही बैंक ने नेट NPA यानी बैड लोन में गिरावट दर्ज की है। कैसा रहा बैंक का परफॉर्मेंस, चलिए एक नजर डालते हैं। जून तिमाही आधार पर स्टैंड लोन बेसिस पर बैंक को अप्रैल जून तिमाही में 6,905 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। जून 2022 तिमाही में बैंक की कुल आय 28,336.74 करोड़ रुपए हो गया है। बैंक का स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट 50% उछाल के साथ आया है। ICICI बैंक का मुनाफा बढ़ने के साथ साथ इसका ब्याज से भी अच्छी खासी कमाई हुई है। तब बैंक को 20,383.41 करोड़ रुपए का ब्याज मिला था, वहीं अप्रैल जून तिमाही में ये बढ़कर 28,336.74 करोड़ रुपए हो गया है। ICICI बैंक का लोन बुक में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बैंक का लोन बुक 21% बढ़ा है। लोन बुक अब 8.95 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। बैंक के टोटल लोन बुक में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रिटेल लोन पोर्टफोलियो की है। रिटेल लोन पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 53% है। साल दर साल इसमें 24% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बैंक का NPA भी इस दौरान घटा है। बैंक ने अपने स्टेट्स क्वालिटी के मामले भी बेहतर प्रदर्शन किया है। बता दें, पिछली तिमाही में यानी 31 मार्च 2022 तक ICICI बैंक का ग्रॉस NPA रेशियो 3.60% था, जो 30 जून 2022 तक घटकर 3.41% हो गया है। वही पिछले साल 30 जून की तिमाही में ये 5.15% था। इसके अलावा ICICI बैंक के रिजल्ट को लेकर तमाम एक्सपर्ट्स बेहतर रहने का अनुमान जता चुके थे। अनुमानों के मुताबिक रिजल्ट बढ़िया रहा है और स्टेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। बैंक के रिजल्ट को लेकर इसका शेयर पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। पिछले दो हफ्तों से बैंक के शेयरों ने जोरदार तेजी भी दिखाई है। एक महीने में बैंक का शेयर 700 रुपये से 800 रुपये के स्तर पर पहुँच गया है। शुक्रवार को ये NSE पर 14 अंकों की तेजी के साथ 800.05 रुपए पर क्लोज हुआ था। रिपोर्ट विस्तार।